क्या आपने सोचा है कि कोमा में जाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्या कोमा में जाने वाले लोग किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, या वो बेसिकली सपना ही देखते रहते हैं, या तो फिर अनकॉन्शियस यानी बेहोश रहते हैं? तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। तो कोमा को बेसिकली दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, एक मेडिकली इंड्यूस कोमा, दूसरा इंजरी वाला कोमा जो कि चोट वोट लगने से हो जाता है। और मेडिकली इंड्यूस कोमा में पेशेंट को इंटेंशनली कोमा में डालते हैं कई हफ्तों के लिए ताकि सही से उसका ट्रीटमेंट हो सके। जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं किसी भी पेशेंट की सर्जरी करने से पहले ताकि उस पेशेंट को कोई पेन ना फील हो। जैसे हमारी बॉडी में ना नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का जैसे मतलब समझ सकते हो कि ब्रेन से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स। जैसे आप देखोगे कई सारी नसें ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ब्रेन से कनेक्ट करते रहती हैं। जैसे मान लो कि आपको कहीं चोट लग गया, तो आपको चोट का पता इसीलिए चला क्योंकि वो हिस्सा जहाँ पे आपको चोट लगी है वो ब्रेन से आपके कनेक्ट था नर्व्स के जरिए, मतलब नसों के जरिए। और ये जो नसें होती है ना, जो नर्व्स होती हैं, वो न्यूरॉन से बनी होती हैं, जो न्यूरॉन्स केमिकल्स को रिलीज कर करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा देते हैं। जैसे जब आपको चोट लगी तो उसके पास वाले न्यूरॉन ने एक केमिकल को रिलीज किया और फिर दूसरे वाले न्यूरॉन ने भी एक केमिकल को रिलीज किया और ये ऐसे केमिकल रिलीज कर करके ब्रेन तक पहुंच गए और फाइनली ब्रेन में जाके केमिकल रिलीज किया। उससे ब्रेन को पता चल जाता है कि हमें चोट लगी है। और ये सब ना बहुत फास्ट होता है इसलिए हमको कोई डिले फील नहीं होता, हमको फटाक से पता चल जाता है कि यहाँ पे हमको चोट लगी है। और सिर्फ चोट लगने की बात नहीं, आप कुछ भी करते हो, जैसे कोई चीज टच करते हो आपको फील होता है कि ये किस तरह का है, तो वो सब भी न्यूरॉन्स के जरिए होता है। जैसे आपका मन हो रहा है कि अपने हाथ को मूव करो तो उसमें भी न्यूरॉन यूज हो रहा है, तभी आपका हाथ मूव कर पा रहा है, आपके हाथों तक सिग्नल पहुंच पा रहा है बेसिकली। तो जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो वो यही न्यूरॉन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है वो एनेस्थीसिया, जिससे कोई भी सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको दर्द हो रहा है। बट एनेस्थीसिया बस इतना ही नहीं करता कि पेन से रिलेटेड चीज़ें, वो आपको अनकॉन्शियस भी कर देता है, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कम करके वो आपको बेहोश कर देता है। और इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता कि एनेस्थीसिया के बाद लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं, बट इतना पता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं जो कि पहले कर रहे होते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि मान लो मैंने आपको एक ऐसा एनेस्थीसिया दिया जो आपको होश में तो रखे हुए है बट आपको दर्द नहीं फील हो रहा है, आप अपनी बॉडी फील नहीं कर पा रहे हो। तो इस केस में भले ही आप अपनी सर्जरी अपनी आंखों से देख रहे हो पर आपको दर्द नहीं फील होगा, क्योंकि हम आंख से देख के अपने ब्रेन को नहीं समझा सकते कि हमें दर्द हो रहा है, वो काम बस न्यूरॉन्स का है। और लोग पहले के टाइम पे भी एनेस्थीसिया जैसी चीज़ें यूज़ करते थे, बट वो एग्जैक्टली एनेस्थीसिया नहीं यूज़ करते थे, वो उसकी जगह ओपियम यूज़ करते थे या कोई और चीज़। तो ऐसे ही मेडिकली इंड्यूस कोमा काम करता है कि पेशेंट को कई हफ्तों तक अनकॉन्शियस रखते हैं एनेस्थीसिया देके। और अब आते हैं रियल कोमा पे, जो कि चोट लगने से होता है या किसी ट्रॉमा को झेलने से हो जाता है। इस तरह का कोमा ना पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कि हम ये नहीं बता सकते कि कोमा में जाने वाला पेशेंट वापस कब उठेगा। जैसे मेडिकली इंड्यूस कोमा में हमें पता था कि दो हफ्ते बाद बंदा उठ जाएगा, बट इस केस में हमें नहीं पता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कोमा में जाने वाला पेशेंट एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब जिसे प्लांट्स और ट्री नहीं होते हैं, पेड़ पौधे वो जिंदा होते हैं बट वो बोल या सुन नहीं सकते, तो कुछ उसी तरह की कंडीशन हो जाती है एक कोमा पेशेंट की। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में क्यों होता है, क्यों ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है अचानक, कैसे होता है ये तो हमें पता है बट क्यों होता है ये नहीं पता। जैसे लोग बताते हैं कि जब वो कोमा में थे तो वो एक अजीब सी दुनिया में थे, शायद वो ड्रीम हो या तो कुछ और, पर ये सारी बातें ना मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा वाले पेशेंट करते हैं, उन्हीं के केस में ये सब होता है, ड्रीम वाली बातें कि मैंने ड्रीम में ये देखा वो देखा, क्योंकि कोई भी रियल कोमा वाला पेशेंट कभी सपने देखता ही नहीं है। जैसे जब हम सोते हैं तो हम सोते ही सपने नहीं देखने लगते, सोने के कुछ देर बाद हम सपने देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि तभी हम रैम स्टेट में होते हैं। रैम स्टेट का मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्टेट। जैसे अगर इस स्टेट में कोई बंदा है रैम स्टेट में और उसके ब्रेन को आप स्कैन करोगे तो आपको दिखाई देगा उसके ब्रेन के कई सारे हिस्से काम कर रहे हैं और उसे ये पता चल जाता है कि ये बंदा सपना देख रहा है। और अगर सेम चीज़ें आप किसी कोमा पेशेंट के साथ करोगे तो वो तो बेसिकली पहले रैम स्टेट में होता ही नहीं, और अगर वैसे भी करोगे आप स्कैन तो आपको उसकी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ही कम दिखाई देगी एक नॉर्मल बंदे के कंपैरिजन में, मतलब कुछ सिग्निफिकेंटली कम, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये बंदा सपना नहीं देख रहा है।
कि वो किसी और ही स्टेट में है। और अब किसी और ही स्टेट का मतलब कुछ और मत समझ लेना कि कोई ऐसी चीज जो साइंस वाइंस के भी परे हो, मेरा मतलब ये नहीं है। किसी और का मतलब बस किसी और स्टेट में जो हम नहीं जानते अभी। जैसे एक बहुत बड़े फिलोसोफर जिनका नाम डेकार्ट है, उन्होंने कहा है आई थिंक देयर फॉर आई एम, मतलब कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, अगर मैं नहीं सोचता तो मैं होता ही नहीं। ये इस केस में बहुत सही फिट हो रहा है। जैसे जब से आप पैदा हुए हो तो आप लगातार सोच ही रहे हो, और उसी सोच ने ना आपको एक पहचान दी हुई है। आपकी एग्जिस्टेंस का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, वो तो बस आपने सोच सोच के ना एक बना लिया कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। अगर आप नहीं सोचते तो आप होते ही नहीं। वैसे ही कोमा के केस में लोग इन्हीं स्टेज पे होते हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो हिस्सा बंद हो चुका है जो उनको सोचने में मदद करता है। पर फिर भी आपने सुना होगा कि कोमा में कुछ लोग सुन सकते हैं, वो अपनी आंखें भी हिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना कोमा के इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है कि कितना इंटेंस कोमा है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप इमेजिन करो कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, और जब आप ये सोच रहे हो तभी मैं आपके ब्रेन को स्कैन करूं, तो मुझे दिखेगा कि ये सोचते टाइम आपके ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव हो गए। और अब अगर यही चीज मैं एक कोमा पेशेंट के कान में जाके बोलूं कि सोचो तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जब उसका ब्रेन स्कैन करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? तो उसके ब्रेन को स्कैन करने पे भी वही चीजें मिलेंगी कि कुछ हिस्से एक्टिव हो गए हैं। पर इसका क्या मतलब हुआ कि वो सोच सकता है? तो नहीं, भले ही ब्रेन में सेम एक्टिविटी हो रही हो पर उस एक्टिविटी को वो समझ नहीं सकते, वो कोमा पेशेंट। जैसे एक जो नॉर्मल बंदा है उसके ब्रेन में जो एक्टिविटी हो रही है, जब मैंने उससे बोला कि तुम सोचो कि तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो, तो वो उस एक्टिविटी को प्रोसेस करके उस चीजों को समझ सकते हैं। और कोमा पेशेंट में भी यही एक्टिविटी होती है, बट उस एक्टिविटी को वो प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए वो कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे कोमा पेशेंट कई सालों बाद उठते हैं। जैसे जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें जो कोमा पेशेंट है वो 20 साल बाद उठी है। सोच के देखो 20 साल कितना बड़ा हो गया। आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो 20 साल के नहीं होंगे। और जनरली कोमा से उठने के बाद पेशेंट को कुछ ही चीजें याद रहती है। इसी तरह से एक बंदे का भाई जब कोमा से उठा 2 साल बाद, तो उसको चीजें थोड़ी थोड़ी ही याद थी, और वो भी सही से नहीं याद थी। जैसे जब वो कोमा से उठा तो वो अपने सगे भाई को कजन समझने लगा, और जब उनका भाई उन्हें वापस अपने घर ले गया तो वो बोलने लगा ये तो बिल्कुल मेरे पुराने घर जैसा है। बट सच्चाई ये है कि वो उसी का घर था। मतलब उसको चीजें सही से नहीं याद है, एक तो याद भी नहीं और सही से भी नहीं याद है, वो जैसे तैसे सेंस बना रहा है। और जो कोमा से कई सालों बाद उठते हैं उनको बस ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि उसके शरीर जो होती है वो भी काम करना बंद कर देती है या सही से नहीं काम करती है। बहुत केस में लोग बोल नहीं पाते, सही से एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाते, ना ही अपनी गर्दन घुमा पाते हैं। और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पेशेंट कोमा में है वो किसी और दुनिया में चला गया है, या फ्यूचर में चला गया है, या पास्ट में जाके रह रहा है। क्योंकि देखो ये सब सोचने से हाँ लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगती है कि हाँ कुछ मिस्ट्री है लाइफ में, पर ये सब सच नहीं है। सच बस यही है कि वो लोग एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे अभी हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि हम कॉन्शियस कैसे हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है कि अनकॉन्शियस होना या कोमा में जाना ये सब होता कैसे है। क्योंकि देखो जब यही नहीं जानते कि कॉन्शियस कैसे हैं, तो ये कैसे जानेंगे कि अनकॉन्शियस कैसे हो गए? ऐसा हो सकता है कि कॉन्शियसनेस कई सारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बस एक प्रॉपर्टी हो, एक इमरजेंट प्रॉपर्टी। या ऐसा हो सकता है जो कि आप भी सोच रहे होगे कि कॉन्शियसनेस कहीं और से आ रही है, हमारा ब्रेन बस उसको रिसीव कर रहा है। या तो कॉन्शियसनेस कुछ क्वांटम लेवल की चीज़ है जिसको अभी हम समझ नहीं पाए, जो कि आगे जाके समझेंगे, क्योंकि अभी भी हम साइंस के उस फील्ड में इतना एडवांस नहीं हुए जितना और सारे फील्ड में है। बट आने वाले फ्यूचर में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वीडियो में तो बस इतना ही था, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।